नमस्ते। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने ट्वीट पर बताया कि उसने एक अपने असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अबरार अहमद को निलंबित कर दिया है। यह जवाब ऑप इंडिया की एक रिपोर्ट पर आया जिसमें कहा गया था कि 15 गैर मुस्लिम छात्रों को CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम का समर्थन करने के कारण प्रोफेसर ने फेल कर दिया है। इस पर जवाब देते हुए जामिया के आधिकारिक हैंडल ने कहा कि सार्वजनिक रूप से 15 गैर मुस्लिम छात्रों को फेल करने की बात कहना CCS आचार नियमों के विरुद्ध है। इस दुराचार से सांप्रदायिक सद्भावना आहत होती है, इसलिए प्रोफेसर को निलंबित किया जाता है और उन पर पूछताछ बैठाई जाएगी। दरअसल 25 मार्च को स्वयं प्रोफेसर ने ट्वीट करके कहा था कि उन्होंने 15 गैर मुस्लिम छात्रों को CAA का समर्थन और CAA विरोध से असहमत होने के कारण फेल कर दिया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उनके 55 छात्र उनके समर्थन में हैं और इसलिए सभी छात्र उनके पास हो गए हैं 15 गैर मुस्लिम छात्रों को छोड़कर। उन्होंने कहा कि CAA का समर्थन और CAA विरोध का विरोध करने वाले ध्यान रखें कि मेजॉरिटी उनको सबक सिखाएगी। इसके बाद इस ट्वीट को अभी डिलीट कर दिया गया है और प्रोफेसर का अकाउंट भी डीएक्टिवेटेड दिखाया जा रहा है। एक सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि प्रोफेसर वो रोल नंबर जानते थे जो मार्कशीट पर लिखे जाते हैं, इसलिए वे गैर मुस्लिम छात्रों की पहचान कर पाए। प्रोफेसर के इस कृत से भी ज्यादा चौंकाने वाला है जामिया प्रशासन की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया। उनके भड़काऊ ट्वीट के बावजूद उनके कुछ सहधर्मी उनका समर्थन कर रहे हैं और जामिया प्रशासन की आलोचना कर रहे हैं। जाकिर नायक नामक एक व्यक्ति ने जामिया प्रशासन पर प्रश्न करते हुए कहा कि वे क्या कर रहे हैं, प्रोफेसर को अपना दृष्टिकोण समझाने का अवसर दिया जाना चाहिए, यह मनमानी है, उन पर से सभी आरोपों को हटा लिया जाना चाहिए। वहीं अरसलान मोहम्मद ने ट्वीट करके कहा कि कौन बेवकूफ यह ट्विटर अकाउंट हैंडल कर रहा है और किस आधार पर प्रोफेसर पर पूछताछ की जाएगी। कई लोगों ने आई स्टैंड विथ अबरार अहमद भी चलाया और इस हैशटैग के साथ ट्वीट करते हुए सनौला अकबर ने कहा कि सरकाजम समझो नहीं तो पकड़कर समझाएंगे। ऐसे ही ट्वीट आसिफ नामक एक हैंडल ने इस कार्रवाई को न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के विरोध में बताया और कहा कि एक भद्र शिक्षक पर ऐसी कार्रवाई अस्वीकार्य है, सरकाजम समझो बेवकूफों। इस घटना के बाद कई पूर्व छात्रों ने भी अपने भेदभाव वाले अनुभव साझा किए और हम उम्मीद करते हैं कि जामिया विश्वविद्यालय में परिवर्तन की लहर यहाँ से शुरू हो। आप जुड़े रहें स्वराज्य से।